काल के 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में अदा की गई, लेकिन मंगलोर में ऐसा नहीं हो पाया। यहां इस बार भी नमाजियों को ईद की नमाज ईदगाह में नहीं बल्कि कस्बे के इंटर कॉलेज में अदा करनी पड़ी। लोगों ने सौहार्दपूर्ण माहौल का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक नमाज अदा की और अपने घरों को वापस लौट गए। दरअसल ईदगाह के करीब रब्जा है, जिसका बांध टूटने से ईदगाह में पानी भर गया था। ये हादसा था या किसी की शरारत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ईदगाह में पानी भर जाने के कारण प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर स्थानीय जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और ईदगाह में भरे पानी को निकालने का काम किया, लेकिन सुबह तक ईदगाह से पूरी तरह से पानी नहीं निकल सका। इसके बाद कस्बे के लोगों ने नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की है।